फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली NCR का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर। आज ही हमारे पास एक लैपटॉप आया है जिसका मॉडल है HP 15। ये मॉडल आपको हम बताते हैं कहाँ से देखते हैं। यहाँ आप देखोगे ये यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा मॉडल लिखा रहता है, तो आप यहाँ से देख के अपना मॉडल बता सकते हैं। इसमें जैसा ये लिखा हुआ है, ये 15B भी होता है, 15G मॉडल है। प्रॉपर जो मॉडल है इसका 15G12R करके मॉडल होता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है हम बताते हैं। इसमें प्रॉब्लम वही आप देखोगे, इसका ये टूटा हुआ है, हिंज टूटा हुआ है, प्लस बॉडी ब्रेक हो रखी है और इसको बंदे ने ज्यादा यूज कर लिया है, तो इसकी केबल भी कट गई है। वीडियो वाली है आपकी, डिस्प्ले वाली जो केबल होती है और जो वाईफाई वाली, ये वाईफाई के एंटीने की केबल होती है, वो भी कट चुकी है। तो हम आपको हर वीडियो में बताते हैं कि जब हमारा लैपटॉप टूट जाए, इस तरीके से कुछ प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाए, आपको कुछ अलग सा महसूस होने लगे स्क्रीन को खोलने में, LED को ऊपर नीचे करने में, तो आप लैपटॉप को दिखा ले तभी के तभी, तो आपकी ये स्थिति नहीं बन पाएगी। ज्यादा खर्चा हो जाता है, किसी में स्क्रीन भी टूट जाती है, किसी की वाईफाई की केबल कट जाती है, किसी की डिस्प्ले वाली केबल भी कट जाती है, तो इस प्रकार की प्रॉब्लम ज्यादा लंबी खींच जाती है। तो आपको, यदि आप हमारे चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। फिर हम आप इसके आगे बढ़ते हैं। इसको खोल के हम क्या करते हैं, हिंज चेंज करना होता है। हिंज चेंज कैसे होता है वो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। खोलना पड़ता है, उसके लिए सबसे पहले हम बैटरी को डिसेबल करते हैं मशीन को, बहुत ही प्यार से, ये नहीं तो इसकी स्क्रीन टूटने का चांस रहता है, इसे बहुत ही ध्यान से हमें बंद करना होता है। फिर हम इसकी बैटरी हटाएंगे, ये बैटरी होती है, इसके बाहर निकाल ली, ये रबड़ वगैरह भी खो रखी है इसकी, इन रबड़ के नीचे हमारा स्क्रू होता है, इधर नहीं थी रबड़। तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है यदि हमारी बॉडी टूट जाती है, तो स्क्रीन पे भी इफेक्ट करता है, केबल वगैरह खींच जाती है, बहुत ज्यादा दिक्कत करता है। तो आप इस समस्या से बचने के लिए सूरज कंप्यूटर्स पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सूरज कंप्यूटर हिंज की प्रॉब्लम को इंस्टेंट रिपेयर करके दे देंगे आपको 1-2 घंटे बाद। कुछ ही केस में होता है जब हिंच नहीं मिल पाते तो टाइम लग जाता है, नहीं तो 90% होता है सूरज कंप्यूटर पर आप आओगे और आपके लैपटॉप की जो हिंच वाली प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी हैंड टू हैंड। तो हम इसको खोल रहे हैं, बस कवर पीछे से खुल जाता है। कुछ मॉडल होते हैं इसको हमें दोबारा ओपन करके फिर कीबोर्ड की तरफ से खोलना पड़ता है। तो हम इसको, ये हमारा ये वाला मॉडल जो है 15G वाला, ये हम यहाँ से ही इसको खोल देंगे। ये हमारा ये खुल गया है, ये आप देखोगे लैपटॉप बाहर आ गया है। ये केबल जो प्रॉब्लम कर रही है, सबसे पहले हम केबल हटाते हैं। ये वाईफाई का एंटीना होता है हमारा, ये हमारा हिंच होता है, ये हिंच बेस पे लगता है, तो उसी को खोलना होता है हमें बाहर निकालने के लिए। पूरा लैपटॉप खोलना पड़ता है हिंज चेंज करने के लिए, अदरवाइज हम वहां से नहीं लगा सकते हैं। लगाने की यदि कोशिश भी करते हैं तो हमारी स्क्रीन टूटने का खतरा रहता है। ये हमने पूरा डिसअसेंबल कर लिया है अपना लैपटॉप। ये हमारी, फिर हमें क्या करना होता है, स्क्रीन बाहर निकालनी होती है, या आप हिंच टूटा हुआ हिंच देखोगे तो इस प्रकार ये जाम हो रखा है, पूरा हिंच टूट रखा है, इसीलिए ये बॉडी टूटी है, पूरा जाम हो रखा है। यदि आपके पास भी कोई ऐसा लैपटॉप है तो आप सूरज कंप्यूटर्स को दिखा सकते हैं। सूरज कंप्यूटर्स हिंच वाली प्रॉब्लम, आपके लैपटॉप के कोई भी प्रॉब्लम हो, हैंड टू हैंड रिपेयर करते हैं मोस्टली। कुछ ही केस होते हैं 1-2% या 10% आप मान सकते हैं जिसमें टाइम लगता है, अदरवाइज 90% केस सूरज कंप्यूटर्स ऑन द स्पॉट ही सॉर्ट आउट कर देते हैं कम समय में। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।